दोस्तों, आज की यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण बात पर आधारित है। एक ऐसी बात जो लगभग हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता ही है, और वह है मजबूरियां। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मजबूरियों को देखने का सही तरीका क्या है। मजबूरियां जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमारे जीवन में अक्सर आती है। मजबूरी एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति को दर्शाती है जहां व्यक्ति कुछ करने में सीमित रह जाता है, अक्सर बिना अपनी इच्छा के, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम जो करना चाहते हैं, हम वह चाहकर भी नहीं कर पाते। यह एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर व्यक्ति अपने मन के अनुसार चुनाव नहीं कर सकते और अपने हथियार डाल देते हैं। मजबूरी में हमें अक्सर वही करना पड़ता है जो हमारे सामने रखा गया हो, ना कि वह जो हम करना चाहते हैं। ये मजबूरियां हमारी आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्थितियों से जुड़ी होती हैं। कुछ लोग मजबूरियों से कोसों दूर भागते हैं और कुछ लोग उनका डटकर सामना करते हैं, मजबूरियों से निपटने के लिए नए तरीके ढूंढते हैं। तो आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की एक मजबूरी को एक अवसर में बदल सकते हैं। ये कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जो बहुत दुखी था। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वह गरीब था और उसके पास केवल एक छोटा सा घर और छोटी सी जमीन थी। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा रहता था और उसकी मजबूरी उसे रात दिन परेशान किया करती थी। अपनी पत्नी और एक बेटा होने के बावजूद वह आदमी बेहद अकेला महसूस करता। वह मन ही मन सोचता रहता कि मेरे जीवन में कितनी मजबूरियां हैं। मुझे अपने घर का खर्च चलाने के लिए रोज काम पर जाना पड़ता है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार क्या खाएगा, मेरा घर कैसे चलेगा। मेरे बेटे के जीवन में अच्छा भविष्य लाने के लिए मुझे मजबूरन काम करना पड़ता है। उसे अपना काम एक बोझ लग रहा था और यह सोचकर वह बहुत दुखी था। एक तरफ जहां लोग उसे गांव के तालाब पर मस्ती करने आते और अपने दोस्तों के साथ सुकून भरा वक्त गुजारने आते, वहीं इस आदमी को वहां मजबूरन मछलियां पकड़नी पड़ती ताकि उसके घर के खर्चों में खाने पर होने वाला खर्च कम हो सके और उसका परिवार यह तालाब से पकड़ी हुई मछलियां खा सके। वह आदमी मजबूर था और वह अपने परिवार को खुश देखना चाहता था, पर उसकी मजबूरियों ने उसके घर से सुख और शांति को खत्म ही कर दिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि अपने जीवन में इतने सारे कमियों के कारण वह कभी खुश नहीं रह पाएगा। एक दिन इसी बात से परेशान होकर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी एक साधु उसकी ओर आ रहा था। साधु ने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत सारे गम थे। उस साधु ने देखा कि वह व्यक्ति दुखी होकर फूट फूट कर रो रहा था। साधु ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतने क्यों परेशान हो। उस आदमी ने साधु की ओर देखा। वह साधु साधारण कपड़ों में था और उसको देखकर व्यक्ति सोचने लगा, भला यह साधु क्या मदद कर पाएगा मेरी। व्यक्ति ने उससे कहा, तुम तो एक साधु हो, भला तुम क्या मदद करोगे मेरी। मैं पहले से ही अपनी मजबूरियों के कारण काफी परेशान हूं, तो मुझे अकेला छोड़ दो। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा इतना दुख तुम अकेले क्यों सहन कर रहे हो, मुझे बताओ क्या हुआ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। वह व्यक्ति उस साधु से कहता है, तुम मेरा दुख दूर करोगे, तुम मेरी मजबूरियों से मुझे मुक्त कैसे कर सकते हो। तुम्हें तो खुद नहीं पता मजबूरियां क्या होती हैं, तुम्हें कौन सी मजबूरी का सामना करना पड़ा अपने जीवन में, तुम क्या जानो मजबूरी। तुम्हें किस बात की चिंता, तुम तो काम भी नहीं करते, तुम्हें किसी परिवार का ध्यान भी नहीं रखना, मुझे तो दिन रात काम करके अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। साधु उस आदमी के कड़वे शब्द सुनकर भी शांत रहे। वह समझ गए कि यह आदमी अपने जीवन में अपने कामों और मजबूरियों को बुरा समझता है और इसी कारण यह काम को बोझ समझकर मन से किसी भी काम को नहीं कर पा रहा है। साधु हंसकर कहते हैं, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मजबूरियों को एक ताकत बना सकता हूं। तुम्हें कभी भी काम करने में बोझ महसूस नहीं होगा, तुम्हें अपने परिवार के लिए काम करना कभी बोझ नहीं मानोगे। मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताऊंगा जिससे तुम हर काम खुशी खुशी करोगे, लेकिन तुम्हें पहले मेरा काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो। वह आदमी साधु की बातों को लेकर सोच में डूब गया। साधु ने कहा कि एक ऐसा रास्ता है जिससे वह हर काम खुशी खुशी कर सकता है और उसके बदले में केवल एक काम करना होगा। पर क्या यह सच है, ऐसा कुछ इस साधु को पता भी होगा, या यह साधु बस मुझे पागल बना रहा है। आदमी ने कुछ देर सोचकर उस साधु को मना किया, ये कहते हुए कि मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ बता सकते हो।
आदमी मना करके वापस घर लौट आया। कुछ दिनों तक तो उसके दिमाग में वह साधु की बातें घूमती रही, लेकिन धीरे धीरे वह उस साधु और उसकी बातों को भूलता गया। उसके दिमाग से साधु भी धीरे धीरे निकलता गया। वह फिर से अपने रोज के दिनचर्या में वापस चला गया। फिर कुछ महीनों बाद उसे एक दिन अपना मित्र मिला। वह मित्र से कहता है, हमारे गांव में एक बड़े ज्ञानी साधु प्रवचन देने आ रहे हैं। वह जो भी कहते हैं वह करके दिखाते हैं। वह बहुत बुद्धिमान है। उसका मित्र उस आदमी से कहता है, तुम भी चलो मेरे साथ, तुम्हें वहां आनंद आएगा। कभी तो अपने लिए कुछ समय निकाल लिया करो, तुम कितनी मेहनत करते हो। वह आदमी सोचता है, मैं तो वैसे ही अपने रोज के काम में मग्न रहता हूं। मेरा मित्र सही तो कह रहा है, कभी अपने लिए भी समय निकालना चाहिए। वह अपने मित्र के साथ उस साधु के उपदेश को सुनने और वहां जाने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन यह व्यक्ति अपने मित्र के साथ उस आश्रम में जाता है। वहां उसे वही साधु दिखता है जो उसे उस दिन काम को खुशी खुशी करने का मार्ग बताने का वादा कर रहा था। मित्र से बात करते समय उसने पूछा कि क्या यही वह साधु हैं जिनके उपदेश हम आज यहां सुनने आए हैं। उसके मित्र ने पुष्टि की कि हां, ये साधु वाकई महान है और उनके पास ज्ञान की अमूल्य धारा है। और तो और, उसके पास तो स्वयं राजा भी ज्ञान लेने आते हैं। वह आदमी अपने मित्र से कहता है कि मैं इस साधु से मिल चुका हूं। फिर वह आदमी अपने मित्र को सारी बात बताता है। उसका मित्र पूरी बात सुनकर कहता है, अगर यह साधु ने तुम्हें वचन दिया है तो अवश्य ही वह उसे पूरा करेंगे, तुम्हें उनसे फिर से मिलना चाहिए। आदमी फिर मन ही मन यह सोचता है कि क्या मेरा अब उनसे मिलना ठीक रहेगा, मैं उन साधु के पास जाऊं कि नहीं, वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परंतु अब उसके मन में यह विश्वास था कि वह साधु उस दिन उसे पागल नहीं बना रहे थे, और अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है कि मैं एक ऐसा रास्ता जान जाऊंगा जिससे मुझे कोई भी मजबूरी, कोई भी पीड़ा छोटी लगने लगेगी और मैं उस काम को खुशी खुशी करूंगा, तो यह मुझे जानना ही है। फिर भले ही मुझे उन साधु के सामने शर्मिंदा ही क्यों ना होना पड़े, चाहे कुछ भी हो, मैं इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। यही सोचकर वह आदमी उन साधु से मिलने का निश्चय करता है। उपदेश समाप्त होते होते शाम हो चुकी थी। जैसे ही वह उपदेश समाप्त हुए, सब लोग आश्रम से बाहर जाने लगे। वह आदमी उस साधु के पास जाता है। वह आदमी कहता है, गुरु, क्या आपको याद है, मैं आपको मिल चुका हूं, मुझे माफ करना। मैंने आपको उस दिन काफी भला बुरा कहा और मैं उस वजह से बहुत शर्मिंदा भी हूं। मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है, परंतु क्या आप मुझे वह मार्ग बता सकते हो जिससे मैं खुशी खुशी काम करूं। मैं आपका कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। साधु हंसते हुए कहते हैं, हां, मुझे याद है, तुम वही आदमी हो जो उस दिन दुखी हालात में मुझे मिला था। ठीक है, मैं अपना वादा पूरा कर दूंगा। लेकिन अब शाम हो चुकी है और मैं पूरे दिन उपदेश देकर थक गया हूं, तो मुझे कल सुबह इसी आश्रम के बाहर मिलना। वह आदमी बहुत खुश होता है और कहता है, जी गुरुदेव, मैं कल सुबह आपसे मिलने आ जाऊंगा। सुबह होते ही वह आदमी उस आश्रम के बाहर उस साधु से मिलने जाता है। जब वह आदमी वहां पहुंचता है तो गुरु दरवाजे पर रुके होते हैं। वह व्यक्ति उन साधु के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मुझे अपना वादा याद है जो मैंने तुमसे किया था, परंतु तुम्हें समझने के लिए मुझे तुमसे काम करवाना पड़ेगा। वह आदमी उस साधु से कहता है, जी गुरुदेव, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, आपका काम क्या है जो मैं कर सकता हूं, मुझे बताइए। वह साधु उसे पास के तालाब के पास ले जाते हैं। वहां एक बड़ा सा पत्थर था जो पानी के बहाव को रोक कर बैठा था। साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें यह पत्थर दिख रहा है जो पानी के बहाव को रोक कर बैठा हुआ है। फिर साधु कहते हैं, तुम्हें इस पत्थर को यहां से हटाना है। जैसे ही तुम इस पत्थर को हटाएंगे, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, लेकिन गुरुदेव, ये कैसे मुमकिन है, ये तो इतना बड़ा पत्थर है, मैं इसे कैसे हटाऊंगा, और फिर इस पत्थर को हटाने से मेरे जीवन की मजबूरियां कैसे हट जाएंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साधु कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम मेरा कोई भी काम कर दोगे, तुम्हें इस पत्थर को हटाना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कभी नहीं बताऊंगा। अब मैं अपनी आश्रम जा रहा हूं, जब तुम ये काम कर दोगे उसके बाद तुम मुझसे मिलने आना। इतना कहकर साधु अपने आश्रम की ओर बढ़ गए। उस आदमी ने सोचा, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि गुरुदेव मुझे इस पत्थर को हटाने का काम क्यों दे रहे हैं।
लेकिन जो कुछ भी हो, मेरे समस्याओं का हल तो मुझे चाहिए। मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं, और अगर मुझे इस पत्थर को हटाने से मुझे गुरुदेव उत्तर बता देंगे तो ठीक है। गुरुदेव अगर मुझे यह करने को कह रहे हैं तो इसमें जरूर कोई बात होगी। इतना सोचकर उस आदमी ने उस पत्थर को अपने हाथों से हटाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वह पत्थर इतना विशाल और भारी था कि वह थोड़ा भी नहीं हिला। कुछ देर बाद थक हार कर उसने अपने पीठ के बल पर लेकर फिर से प्रयास किया। उसने पत्थर को हटाने की कोशिश की। उसने देखा कि वह पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से हिल गया, पर जैसे ही वह थोड़ा सा सीधा हुआ, वह पत्थर फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया। उस आदमी का आत्मविश्वास टूट गया। वह मन ही मन सोचता है कि यह कैसा काम दिया है मुझे इस साधु ने, यह पत्थर तो हिलने का नाम भी नहीं ले रहा। बाहर बहुत धूप थी और वह आदमी पसीने में भीग जाता है। वह आदमी बीच में ही रुक जाता है, पर फिर उसे उन साधु की शर्त याद आती है जिसके मुताबिक अगर वह उनका काम नहीं करेगा तो उसे वह नहीं मिलेगा जो वह चाहता है। यह काम करना भी एक प्रकार की मजबूरी ही थी। काफी समय बीत जाने के बाद उस आदमी ने पास में ही एक पेड़ देखा और उसे उस पेड़ को देखते ही एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, क्यों ना मैं एक लकड़ी के टुकड़े को पत्थर के नीचे फंसाकर उस लकड़ी पर अपना वजन रखूं? इससे मुझे कम जोर लगाना होगा और लकड़ी बड़ी और मजबूत होने के कारण उसका परिणाम ज्यादा होगा। वह आदमी तुरंत ही एक बड़ी और विशाल लकड़ी तोड़ने में लग जाता है। जैसे तैसे उस आदमी ने एक बड़ी लकड़ी उस पेड़ से निकाली, उसके सारे छोटे टहनियां और पत्ते को तोड़कर एक सीधी लकड़ी तैयार की जो वह इस्तेमाल कर सके। फिर उसने उस पत्थर के अगल बगल एक खड्डा खोदा जहां वह उस लकड़ी को डाल सके। उस आदमी ने लकड़ी का एक छोर उस पत्थर के नीचे फंसाया और फिर वह आदमी अपने हाथों में दो बड़े पत्थर लेकर उस लकड़ी के दूसरे छोर पर बैठ गया और देखते ही देखते वह पत्थर अपनी जगह से हट गया और पानी का बहाव फिर से चालू हो गया। वह आदमी बहुत खुश हुआ, उसे आत्मविश्वास महसूस हुआ। वह दौड़ता हुआ उन साधु के पास गया और कहा, गुरुदेव मैंने कर दिखाया, मैंने उस पत्थर को हटा दिया और मैंने अपना वचन भी पूरा कर दिया। साधु पूरी बात उस आदमी से सुनने के बाद कहते हैं, तुमने अच्छा काम किया, मेहनत की, तुमने तरकीब भी निकाली और तुमने अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगा था कि तुम यह काम कर पाओगे? आदमी कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना बड़ा पत्थर हटा पाऊंगा। साधु पूछते हैं, क्या लगता है तुम्हें, तुम ये सब क्यों कर पाए? आदमी जवाब देता है, क्योंकि यही आपकी शर्त थी, अगर मैं नहीं करता तो मुझे अपना जवाब कभी नहीं मिलता। साधु कहते हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि यह काम करना तुम्हारी एक मजबूरी थी? आदमी कहता है, हां, लेकिन आप वही वही क्यों पूछ रहे हो? इस पर साधु कहते हैं, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता था, जिस तरह आज तुम्हारे सामने वो पत्थर हटाने की मजबूरी थी, इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे सामने कई मजबूरियां आएंगी। साधु आगे कहते हैं, मजबूरियां ही तुम्हें वह काम करवाती है जो तुम्हें नहीं लगता कि तुम वह कर सकते हो। तुम्हारी मजबूरियां तुम पर बोझ नहीं है, बल्कि मजबूरियों के कारण तुम जिंदा भी हो। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारे ऊपर मजबूरियां ना होती और काम करके अपने परिवार के लिए कमाई करने की कोई पाबंदी ना होती, तो क्या तुम अपने घर से बाहर भी निकलते? नहीं ना, तुम एक ही जगह है, बस आराम से बैठे रहते। लेकिन क्या ऐसा आराम करना ठीक है? क्या तुम्हारे शरीर में बीमारियां नहीं आ जाती? तुम अपनी मजबूरियों के कारण काम करते हो जिससे तुम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हो। जहां तुम पहुंचना चाहते हो, यह मजबूरियां ही तुम्हें वहां का रास्ता दिखा सकती हैं। वह हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे ऊपर मजबूरियां हैं, बल्कि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम उन मजबूरियों को एक बोझ समझ रहे हो। हमारी मजबूरी हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारे लिए एक माध्यम बन सकती है और हमें नए दिशाओं में ले जा सकती है। जैसे कि तुमने लकड़ी का उपयोग किया ताकि उस पत्थर को हटा सको, ऐसा ही कुछ हमारे साथ जीवन में भी होता है। जब हमसे ऊंचे स्तर के लोग, जैसे कि हमारे बॉस या फिर माता पिता या फिर कोई गुरु, हमें कोई कठिन काम देते हैं, तो हमें लगता है कि यह काम हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उदाहरण के रूप में, जब हमारे बॉस हमें एक बड़े और कठिन काम को संभालने का काम देते हैं, या जब तुम्हारे व्यापार में कोई विरोधी व्यापारी तुम्हारी तकलीफ बढ़ा देता है,
जो तुम्हारे लिए मुश्किल होता है तो तुम कैसे उसका सामना करोगे। अक्सर हम नहीं चाहते कि ऐसी समस्याएं हमारे सामने आए, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह हमारे सामने है और हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक रही है। क्या लगता है आपको ज्यादातर लोग इस स्थिति में क्या करते होंगे? बेशक कोई नहीं चाहता कि वह संकट में आए, लेकिन जब एक विशाल समस्या उनके सामने खड़ी होती है, ऐसी कठिन समस्याएं जो उन्हें परेशान करती हैं, तब क्या करते होंगे लोग? जब भी हमारे जीवन में विशाल और भयानक समस्याएं आती है, तो हकीकत में वह हमसे सवाल पूछती है, क्या तुम इस लक्ष्य के काबिल हो? क्या तुम इस परीक्षा का सामना कर सकते हो? आप क्या करोगे? क्या होगा आपका उत्तर इस प्रश्न पर? क्या होता है जब आपके सामने एक समस्या खड़ी हो जाती है जिसका समाधान आपके लिए मुश्किल होता है? क्या आप भाग जाएंगे? क्या आप अपने लक्ष्य को किस्मत के हाथों छोड़ देंगे? अगर हम इतिहास की ओर देखें तो हजारों लोगों ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर ना में दिया। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई थी। ऐसा हम आज के युग में भी करते हैं। हम हार मान लेते हैं। हम अपने उच्च स्तर के लोगों को पागल तक कह देते हैं कि क्या सोचकर मुझे यह काम सौंपा गया, ये काम तो किसी से भी नहीं होने वाला, या फिर हम अपने लक्ष्य को त्याग देते हैं ये कहकर कि शायद यह लक्ष्य मेरे भाग्य में ही नहीं है। लेकिन इतिहास के कुछ लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर हमें दिया। वे डटकर खड़े हुए और समस्या के आंखों में देखकर उसका समाधान निकाला। वह कुछ बढ़ा कर पाए उसी समस्या के कारण, और सच कहूं तो वह महान व्यक्ति आज उस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाते। अगर उनके सामने समस्या नहीं आई होती तो उनकी समस्याओं ने उन्हें बड़ा बनाया, उन्हें मजबूर किया। नए रास्ते ढूंढने में कोई ऐसा रास्ता जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। बड़े और महान लोग भी अक्सर अपनी समस्याओं से जूझते हैं और उन्हें पार करने के लिए नए रास्ते ढूंढते हैं। समस्याएं हमें मुश्किल में डालती हैं और हमें मजबूर करती है नए रास्तों की तलाश करने में। यही तरीका है जिससे हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और यही सही तरीका है हमारी मजबूरियों को देखने का। जब तुम्हारी नजर अपने लक्ष्य पर होगी तो तुम्हें अपनी समस्याएं छोटी लगने लगेगी। इसीलिए मजबूरियां अच्छी होती हैं। तो अगली बार जब तुम किसी मजबूरी में खुद को पांव तो खुश हो जाना, क्योंकि यह एक मौका है तुम्हें अपने आप को साबित करने का और उसी दौरान वह बनने का जो तुम पहले कभी नहीं थे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे इसकी सख्त जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।